भगवत गीता के श्लोक वाचन प्रतियोगिता के लिए एकत्रित है। आज मैं प्रिया भाटी कक्षा 8वीं ए की छात्रा इस कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ। तो सर्वप्रथम मैं वंशिका चौहान कक्षा 8वीं ए की छात्रा को श्लोक वाचन के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठी, आज मैं वंशिका चौहान कक्षा 8वीं अ की छात्रा आप सबके समक्ष भगवत गीता के अध्याय 5 से लिए गए श्लोक 1 और 2 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योग च शंससी यच्छेतोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले तो आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं, क्या अब आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? द्वितीय, संन्यास कर्म योगश्च निहर्षेत सत्क्रावभो तयोस्तु कर्म संन्यास तकर्म योग विशिष्यते। अर्थात श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों से भक्त का परित्याग से भक्ति में कर्म अधिक श्रेष्ठ है। धन्यवाद। धन्यवाद वंशिका। अब मैं अपने अग्रिम प्रतिभागी प्रीतिका कक्षा 7वीं बी की छात्रा को श्लोक वाचन के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं प्रतीका कक्षा 7वीं ब की छात्रा आज आपके समक्ष भागवत गीता के कुछ 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला श्लोक, यम यम वापी स्मरण भावे दज्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति को नत्य सदा तद्व भाव भावित। अर्थात अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। मेरा दूसरा श्लोक, सर्व धर्म अन्य परित्यज्य मामेकं शरण व्रज अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। अर्थात सारे धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। धन्यवाद। धन्यवाद प्रीतिका। अब मैं अगली प्रतिभागी खलक कक्षा 6ए की छात्रा को श्लोक वाचन के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठी, आज खनक कक्षा 6ए की छात्र आप सभी के समक्ष भगवत गीता के 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा प्रथम श्लोक, इदं तु ते गुण्यतम प्रवक्ष्यामि अनुसूयते ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्मं मोक्षसे। अर्थात श्री भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम गुण ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। मेरा द्वितीय श्लोक, अश्वत्थानः पुरुषा असास्य प्रूता अप्राप्य मा निर्वतन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी। अर्थात हे प्रूता, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वह इस भौतिक जन्म जगत में जन्म और मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद खनन। अब मैं अपनी अगली प्रतिभागी आकांक्षा कक्षा 8वीं ए की छात्रा को श्लोक वाचन के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं आकांक्षा कौशिक कक्षा 8वीं अ की छात्रा आप सबके समक्ष भगवत गीता के 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा प्रथम श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुभु मा ते संगो सत्व कर्मणि। अर्थात कर्म करना तेरा अधिकार है, लेकिन कर्म को फल की इच्छा से कभी नहीं करना चाहिए, तेरे कर्म के फल से कोई आस्तिक ना हो। मेरा द्वितीय श्लोक, वेदा विनाशनम नित्यम ये अंजवयम कथम से पुरुषे पार्थ कम घट्यति हन्ति कम। अर्थात हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशनी अजन्मा
शाश्वत तथा अव्यय है। वह व्यक्ति भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद आकाश। अब मैं अगली प्रतिभागी सांची भाटी कक्षा छठी ए के छात्र को श्लोक वाचन के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक गण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं सांची भाटी कक्षा छठी अ की छात्रा आप सभी के समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दो श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा प्रथम श्लोक, यम ही नाव्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अर्थात, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विकसित नहीं रहता और इन दोनों में समान रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। मेरा द्वितीय श्लोक, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे व्रतम तथापि त्वं महाबाहो न एनं शोचितु महर्षि। अर्थात, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म देता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद साची। अब मैं अपनी अगली प्रतिभागी आशी कक्षा आठवीं ए की छात्रा को श्लोक वाचन के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं आशी सिंह कक्षा आठवीं अ की छात्रा आप सबके समक्ष भगवद गीता का एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये त्वाक्षरं निर्देश्यं अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रैकं चिन्त्यं च कुटुम्बस्थं चलं ध्रुवम्। अर्थात, जो व्यक्ति इंद्रियों से परे हो, अनिश्चित और अप्रकट हो, मन बुद्धि से परे हो, उसे ब्राह्मण की उपासना करनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद आशी। अब मैं अपनी अगली प्रतिभागी जैस्मिन कक्षा सातवीं ए की छात्रा को श्लोक वाचन के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमो नमः आदरणीय निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं जैस्मिन सिंगल कक्षा सातवीं की छात्र आपके समक्ष भगवद गीता के दो श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा प्रथम श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुजामयम्। अर्थात, हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ। मेरा द्वितीय श्लोक, परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं अपने को युग युग में प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जैस्मिन। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी देवेश कक्षा छठी ए के छात्र को श्लोक वाचन के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं देवेश कुमार सिंह कक्षा छठी ए का छात्र आप लोगों के समक्ष भगवद गीता के दो श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा प्रथम श्लोक है, वंशांसि जीर्णानि यथा विहाय न वाणी गृहणाति नर अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि देही। अर्थात, जैसे हम अपने पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। इससे पता चलता है कि शरीर का नाश हो सकता है पर आत्मा का नहीं। मेरा द्वितीय श्लोक है, अत्र सुषा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानं विरश्च ध्रुपद महारथा। अर्थात, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेकों वीर सैनिक धनुर्धर हैं, जैसे युयुधान विराट तथा ध्रुपद। धन्यवाद। धन्यवाद देवेश। अब मैं अगले प्रतिभागी ज्योत्सना कक्षा सातवीं ए की छात्रा को श्लोक वाचन के लिए आमंत्रित करती हूँ।
नमस्कार आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निशी विवेक निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं ज्योत्सना कक्षा सातवीं की छात्रा आपके समक्ष भगवत गीता के श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्लोक प्रथम। नाम दृष्टि नो मूल है प्रबंधन्ते नाराधमा, माया पर ज्ञान है आसुर भव वृषिता। अर्थात माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दुरुष कम करने वाले मोड लोग मुझको नहीं भाते। श्लोक द्वितीय। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापेद्रमं सर्वज्ञान अपि चेनव व्रीजेन शत्रुष्टशी। अर्थात यदि तू पापियों में से अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप अनोखा द्वारा निर्हय संदेश संपूर्ण पाप समुद्र में भली भांति तर जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद ज्योत्सना। अब मैं अपनी अगली प्रतिभागी मानसी कक्षा छठी ए की छात्रा को श्लोक वाचन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं मानसी तिवारी कक्षा छठी की छात्रा आप सबके समक्ष श्री भगवद गीता का एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वितराग वैभय क्रोध मन मम्रीक्षिता भाव ज्ञान तपस्या बुद्ध मदभाव गाता। अर्थात इस संसार में राग भय क्रोध से सर्वथा रहित होकर ईश्वर में ही तल्लीन उन्हें पर ही आश्रित रहते हुए ज्ञान रूप तप से पवित्र हुआ परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद मानसी। अब मैं अपनी अगली प्रतिभागी डॉली कक्षा छठी ए की छात्रा को श्लोक वाचन के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमो नमः। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं डॉली भारद्वाज कक्षा छठी की छात्रा आप सभी के समक्ष श्री भगवद गीता से लिए गए कुछ श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा प्रथम श्लोक। चिंत्या जायते दुखं न अन्यथे हेति निश्चये, तया हि नः सुखी शान्तः सर्वत्र गलित्सप्रः। अर्थात चिंता से ही दुख उत्पन्न होता है, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। मेरा द्वितीय श्लोक। नैनं चिन्वन्ते शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यते मारुतः। अर्थात यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड की जा सकती है, न ही अग्नि द्वारा जलाई जा सकती है, न ही जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाई जा सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉली। अब मैं अंत में स्वयं को श्लोक वाचन के लिए प्रस्तुत करती हूँ। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं प्रिया भाटी कक्षा 8वीं ए की छात्रा आप सबके सामने श्रीमद् भगवद गीता से लिए गए अध्याय 6 के दो श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्लोक 34। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रामथि बलवृद्धनम तस्याहं निर्घमन्ये वायुरे शुद्धिष्करम्। अर्थात हे कृष्ण, चूंकि मैं चंचल हटीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। श्लोक 35। श्री भगवान उवाच असंशम महाभावो मनो दुन्हि ग्रहं चलम् अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्येण च ग्रहते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभव कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्त द्वारा ऐसा संभव है। धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम का समापन करती हूँ। आप सभी प्रतिभागियों का कोटि कोटि धन्यवाद।